बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खुवातीन हज़रात। नॉट लास्ट संडे बट प्रीवियस वन हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे थे कि इबादत की असली क्या क्या है। इसी तरह इंसान की असली सिर्फ दो चीजें हैं, एक उसका जिस्म और दूसरा उसका कल्ब या दिल। रूहानियत में जितने भी मुस्तनद और बड़े औलिया काम गुजरे हैं उन सबका इत्तफाक एक बात पर है कि इंसानी जिस्म में असल हकीकत इंसानी कल्ब की है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब ने भी यही फरमाया है, जनाब हजरत मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने, जनाब बाबा फरीद गंजकर रहमतुल्लाह अलैह साहब ने, दाता साहब ने, इन सब ने एक चीज पर जोर दिया कि इंसान इंसान के अंदर दो ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कल्ब और नफ्स। जिस्म को इसलिए अहमियत नहीं दी जाती कि रूहानियत में समझते ये हैं कि इंसानी जिस्म की हैसियत सिर्फ उतनी ही है जितना के किसी नेक मकसद के लिए जाने के लिए आपको सवारी की जरूरत है। जब इंसान अपनी मंजिल पे पहुंचता है जिसके लिए उसने सफर जारी किया तो वहां जाके वो सवारी को भूल जाता है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब ने इसकी मिसाल इस तरह से दी कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई हाजी हज के लिए जाए, ऊंट पर सवार जा रहा है, रास्ते भर उसके ऊंट की अहमियत है क्योंकि वो उसे हज के लिए मंजिल मकसूद पहुंचाएगा, कने काबा तक उसे ले जाएगा, इसलिए वो रास्ते में उसको खिलाता है पिलाता है, उसको आराम का ख्याल रखता है। लेकिन जब वो खाने काबा पर पहुंच जाता है तो वो फिर अपने ऊंट से बेपरवाह हो जाता है। हम जब अपने जिस्म की देखभाल में इस तरह मसरूफ हो जाएं कि हमारा जो असल मकसद है कि हमारे कल्ब की परवरिश हो, तो फिर बकौल इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब के बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई शख्स हज के लिए निकले और रास्ते में अपने सवारी के ऊंट की देखभाल करने के लिए किसी एक जगह रुक जाए और अपने ऊंट को उस जगह ठहर के देखभाल करता रहे, तो नतीजा ये होगा कि ऊंट तो उनका सेहतमंद हो जाएगा उन साहब का जो सफर कर रहे हैं, लेकिन हज के लिए कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह औलिया इकराम ये
कहते हैं कि जिस्म की देखभाल जिस शख्स ने इस शिद्दत के साथ की कि कल्ब से नजर हट गई उनकी, तो वो फिर उसी हाजी की तरह है जो सवारी के ऊंट की देखभाल के लिए रास्ते में कहीं रुक जाए। इंसान के जिस्म की रिक्वायरमेंट्स, इसे इंसान दो चीजों का मजमुआ है, बदन और कल्ब, जिस्म और कल्ब। इसी तरह इंसानी जिस्म की सिर्फ तीन जरूरतें हैं, खुराक, पोशाक और मस्कन, रहने को जगह। ये तीन बुनियादी जरूरतें हैं इंसानी जिस्म की। इन तीनों चीजों की जरूरत महसूस करने के लिए रब ताला ने इंसान के जिस्म में, उसके कल्ब में, उसके जहन में ख्वाहिश रख दी है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, बावजूद इसके कि उसे इस दुनिया की किसी चीज का कोई अदराक नहीं होता, लेकिन दूध पीने की ख्वाहिश उसके अंदर जुबिली तौर पर होती है, बाय इंस्टिंक्ट। अब वो रोता है भूख लगने पे। तो रब ताला ने ये जुबिलत में रख दी इंसान के ख्वाहिश। जो जो इंसान बड़ा होता है, उसके अंदर ये ख्वाहिशात बढ़ने लगती हैं। पैदाइश के फौरन बाद से लेके एक हद तक उसे सिर्फ खुराक की ख्वाहिश होती है। जब वो भूख उसे लगेगी तो रोएगा, मैक्सिमम क्वांटिटी में दूध पीना चाहेगा। फिर लड़कपन का आगाज होता है तो उसमें कपड़े की ख्वाहिश, फिर रिहाइश की ख्वाहिश, इस तरह से ख्वाहिशात जन्म लेती। अल्लाह ने ख्वाहिशात पर एक चेक रखा, वो इस तरह से कि किस हद तक ख्वाहिश की जाए। तो ख्वाहिश जबिलत में रख दी अल्लाह ने, पैदाइश पैदाइशी तौर पर ही आ गई उसके अंदर। फिर उस पर एक चेक दिया, वो था अक्ल, कि ख्वाहिश की हद को पहचान ले इंसान कि मुझे किस हद तक जाना है अपनी ख्वाहिश में। और वो हद रब ताला ने शरीयत के जरिए बता दी। ख्वाहिश, अक्ल और शरीयत, ये तीन चीजें रब ताला को अपने पैगंबरों के जरिए, अपने इल्म के जरिए, शरीयत पैगंबरों के जरिए आ गई, अक्ल इल्म के जरिए आ गई, और ख्वाहिश जबिलत से आ गई। बाकी जितनी भी चीजें हैं, भूख मिटाने की ख्वाहिश, अपने जिस्म को ढांपने की ख्वाहिश, मौसम की शिद्दत से बचने के लिए एक मस्कन की ख्वाहिश, इन तीनों ख्वाहिशात की तकमील के लिए फिर आगे चीजें पैदा होती चली गई। एग्रीकल्चर,
दूध घी मक्खन ये फिर पेशी बढ़ते चले गए। इसी तरह लिबास हासिल करने के लिए लिबास की सनत डेवलप हो गई और उसके अंदर उसके मुख्तलिफ किस्म की पेशे पैदा हो गए। पनाहगाह तलाश मकान बनाने के लिए रहायशगाह बनाने के लिए लकड़ी की सनत बिल्डिंग मटेरियल्स की सब जितनी भी सनत है वो इसी से जन्म लेती थी। लेकिन इब्तदा इसी तरह हुई कि अल्लाह ने ख्वाहिश जबिलत में रख दी और उसके बाद उस पर कदम लगाया कि इंसान एक हद से आगे न जा सके। वो हद की पहचान करा दी शरीयत के जरिए, हद बता दी शरीयत के जरिए और पहचान करा दी अकल के जरिए। हम में से हर आदमी ने देखा होगा कि जितनी ज्यादा मजेदार खुराक हम खाएंगे और जितनी शकील खुराक हम खाएंगे जुज्व बदन बनने के बाद जो उसका रेजिड्यू उसके रेजिड्यूज वो उतने ही बदबूदार होंगे। तो जब हम दुनिया की बहुत ज्यादा ख्वाहिश करने लगते हैं तो वो हमारे जिस्म में बदबू पैदा करने का बाइस बन जाती है, हमारी जिंदगी में बदबू दाखिल हो जाएगी। इसीलिए पैगंबरों ने भी और औलिया किराम ने भी दुनिया को अपने से दूर रखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत बीबी राबिया बसरी ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बीबी राबिया बसरी वली अल्लाह, इन्होंने अपनी जिंदगी को महदूद कर लिया। हजरत ईसा ने तो बहुत ही आगे तक चले गए कि किसी शख्स को ओक से पानी पीते देखा तो पानी पीने का प्याला भी तोड़ दिया कि इसकी क्या जरूरत है, मैं तो हाथों का ओक बना के पानी पी लूंगा। तो अपनी जिंदगी के एसेट्स को इतना रिड्यूस कर दिया। यही हाल बाकी सब पैगंबरों का है। औलिया इकराम में बीबी राबिया बसरी की कुल जायदाद वजू करने का लोटा, पानी पीने का एक प्याला, एक खड़ा और एक जानवाज। ये जो नई किताब फकीर रंग आई इसके टाइटल पर जो कुछ दिखाई देता है आपको वो दरहकीकत वो कंसेप्ट मैंने बीबी राबिया बसरी ही की टोटल एसेट से लिया हुआ है। वो जो एक रोशन दिखाई देता है जिसमें से नूर आ रहा है वो दिखाने की कोशिश की है कि बीबी राबिया बसरी का हुजरा है, उसके रोशन है। जो शख्स इतना कम माले दुनिया अपने पास रखता है जितना उसमें दिखाई दे रहा है और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता है तो फिर उस पर रब के नूर की बारिश होती है। वो कंसेप्ट वहां से चोरी किया हुआ है। तो इंसानी जिस्म की तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके, अगर ज्यादा की ख्वाहिश हम करें और ज्यादा दुनिया जमा कर लें तो फिर जैसे मैंने वो मजेदार और शकील गिजा की मिसाल दी तो जितना माल दुनिया जमा हमारे पास होता चला जाएगा उतनी ही हमारी जिंदगी में खराबियां आती जाएंगी, हम अपने रब से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। अब दूसरा अहम जुज इंसान का कल्ब है। कल्ब सिर्फ
कल की गिजा सिर्फ पहले ख्याल रब है, फिर इश्क रब है, और तीसरा फिर दीदार रब है। कल उतना ही फलता फूलता है जितना ज्यादा उसमें ख्याल रब रहेगा, उतना ही पुरनूर हो जाएगा जितना वहां इश्क रब होगा। और जितना दीदार रब रहेगा उतना ही वो पुरनूर हो जाएगा। लेकिन जैसे यहां किसी नशिस्त में मैंने जिक्र किया था कि एक जमाना पहले एक बुक स्टॉल पर मेरी नजर से अल्लामा इकबाल की एक डायरी गुजरी। उस डायरी की इब्तदा एक जुमले से हुई थी कि अगर इंसान अपने रूह की परवरिश करना चाहता है तो उसे अपना जिस्म खोना पड़ेगा, और अगर वो अपने जिस्म की परवरिश करेगा तो उसे अपनी रूह को खोना पड़ेगा। इसी तरह कल्ब की परवरिश जो हम करते हैं वो ख्याल रब से करते हैं कि रब का ख्याल दिल में हर वक्त रहे, जिसे हम जिक्र रब भी कहते हैं। हर वक्त रब का जिक्र, कि जब इंसान रब की तरफ मुतवज्जो होगा उसे याद करेगा तो वो जिक्र है, किसी रेफरेंस से रब को याद करता रहे वो जिक्र बन जाता है। मेरी तरह रब से रब के शिकवे ना करे, वैसे ही याद करता रहे रब को, तो वो जिक्र रब है। मैंने अपनी जिंदगी को जो देखा, शर्म तो आई लेकिन हटा नहीं अपनी डगर से मैं, वो आज भी वही हाल है जो नौजवानी में था, कि अगर मैं अपनी जिंदगी पर नजर डालता हूं तो मुझे ये तो दिखाई देता है कि मैं अक्सर बेशतर कहता पाया गया हूं या अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन जिस लहजे में मैं कह रहा होता हूं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, वहीं कहीं इन बिटवीन द लाइंस एक हल्की सी बैकग्राउंड से आवाज हो आ रही होती है, लेकिन काहे का दिया क्या है। आप जैसे किसी नेक इंसान की तवज्जो दिलाने पर मैंने अपने जिंदगी के सिर्फ एक दिन को देखा कि जब मैं सो के उठा उस वक्त से लेके रात तक रब ताला ने बिन मांगे मुझे क्या कुछ अता किया, मेरी कितनी जरूरियात उसने बिन मांगे पूरी कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि वो जो हजारहा अनायात थी मेरे जागने से लेकर मेरे सोने तक, वो मुझे याद नहीं रही। लेकिन अगर पीने को ठंडा पानी नहीं मिला तो मैं रब से यही कहता रहा कि या अल्लाह वो ठंडा पानी नहीं दिया तूने। मुझे कभी भूले से ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं रब से ये कह दूं कि या अल्लाह तू कितना मेहरबान है,
तेरा ये पानी मेरा इस्तहकात नहीं है, ये तेरी इनायत है कि तू मुझे अदा करता है बिन मांगे बगैर किसी कीमत के। अगर तू ये अदा न करता तो मैं क्या करता। लेकिन वो मेरी मर्जी के मुताबिक, चूंकि ठंडा नहीं था तो वो मुझे याद रहा और मैं कहता रहा कि ठंडा पानी नहीं मिल रहा, बताओ यार क्या है। तो वो जो ख्याल रब है, जिक्र रब है, वो उस रेफरेंस से ना हो जिससे मैं अपना अर्ज कर रहा हूं आपके। वो शिकवा रब है और हम रब के बंदे हैं, उसके गुलाम हैं। गुलाम अपने आका का शिकवा कभी बयान नहीं करता। गुलाम अपने आका की इनायात को याद रखता है, उसे प्रोपगेट करता है। बहुत देर पहले यहां मैंने महमूद गजनवी के गुलाम अयाज का जिक्र किया था। अगर हम रब के बंदे हैं, रब के गुलाम हैं और वो हमारा आका है, हमारा मालिक है, तो फिर ये कहना कैसा कि आज गर्मी बहुत है, ये मेरे मालिक और मेरे आका की मर्जी है, वो अपने कायनात में जितनी चाहे गर्मी कर दे, जितनी चाहे सर्दी कर दे, मुझे क्या हक है कि मैं ये कहूं कि आज गर्मी बहुत है। मेरा वो मकाम ही नहीं कि मैं अपने आका के किसी काम पर उंगली उठा सकूं, उसके बारे में कुछ बात कह सकूं। बहसियत बंदे के, बहसियत गुलाम के, मेरा कोई ऐसा मकाम नहीं। हम इसके मुजाजी में तो ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स से वाकई ही हमें सच्चा इश्क है तो उसकी कोई बुरी बात बुरी नहीं लगती, उसकी बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं, उससे कभी कोई शिकवा शिकायत पैदा नहीं होता, उसके हर जुल्म को हम उसकी अदा समझ के खुश होते रहते हैं। तो फिर इश्क़ हकीकी में शिकवा कैसा। तो कल्प को अगर हमने पालना है, कल्प को तवाना करना है, तो फिर रब की तरफ रजू रखना पड़ेगा। यही जब यहां जिक्र हो रहा था तखलीक रूह का, तो उस वक्त ये बात मैंने कही थी, उसकी एक्सप्लेनेशन आज गलमन 2 साल के बाद सामने आई है। मैंने अर्ज किया था कि जब किसी रूह को आलम अरवाह से आलम फना की तरफ रवानगी का हुक्म मिलता है, उसे उसके उस रूह के मुतालिका जिस्म में दाखिल किया जाता है, तो रूह से एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने खालिक की तरफ रजू रखे। वो ये रजू है। कल्ब को पुरनूर रखिए, इस दुनिया से हम इंसान जितनी दूर रहेंगे कल्ब हमारा उतना ही फले फूलेगा, उतना ही अच्छा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से रवायत है, एक बार उन्होंने आलम कश्फ में एक बुढ़िया को देखा और आलम कश्फी में जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने
उस बुढ़िया से पूछा कि आप कौन हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं दुनिया हूं, माले दुनिया हूं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा कि फिर तुमने कितनी शादियां की? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेशुमार। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा कि उनमें से कितने खामदों ने तुम्हें तलाक दी और कितने खामदों को तुमने तलाक दी? तो बुढ़िया ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने अपने तमाम खामदों को हलाक कर दिया। तो जो इंसान कल्ब को भूलकर बदन की नशोनुमा में लग गया, या आसान लफ्जों में यूं कहिए कि माले दुनिया के पीछे भागा, वो हलाक हो गया, तबाही की तरफ चला गया। हां, अलबत्ता इसके अंदर एक फर्क आएगा कि जिस शख्स ने बेपना मेहनत की, इस जुस्तजू में रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा माले दुनिया कमा लूं और अपनी इस्तात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा माले दुनिया कमाया, और फिर उस माले दुनिया को अपनी जात पर कम से कम खर्च किया और यूं बच जाने वाले माले दुनिया को अल्लाह के दूसरे बंदों पर खुले दिल से खर्च कर दिया, तो वो शख्स फलाह की तरफ चला गया। इसलिए कि ऐसे शख्स ने दुनिया को दिल में नहीं बसाया, बल्कि इस जज्बे के साथ माले दुनिया कमाया कि मैं अल्लाह के दूसरे बंदों के काम आ जाऊं, कि इजहार तशक्कुर का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, अल्लाह की शुक्रगुजारी का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान के पास जो उसकी जरूरियात से ज्यादा बच रहे उसे अल्लाह के दूसरे बंदों पर खुले दिल से खर्च कर दिया जाए। और आला जरफी का तकाजा ये है कि इंसान अपने बदतरीन दुश्मन पर सबसे ज्यादा खुले दिल से और सबसे ज्यादा आजिजी के साथ, झुकी हुई निगाहों के साथ खर्च कर दे। इसलिए कि रब हमें देते हुए ये नहीं देखता कि हम उसके कितने फरमाबरदार हैं और कितने नाफरमान, वो हमें बेपना अता करता चला जाता है। तो जब मेरा रब बगैर ये देखे देता है कि मैं उसका कितना सरकश और कितना नाफरमान बंदा हूं, तो मुझे क्या हक है कि मैं अल्लाह ही के दिए हुए माल को जब मैं खर्च करने लगूं तो मैं ये देखूं कि ये दोस्त है या दुश्मन। जब मैं दुश्मन पर खुले दिल से खर्च करूंगा तो ये ख्याल बहुत मजबूत हो जाएगा मेरे अंदर, क्योंकि मेरा नफ्स मुझे खर्च नहीं करने देगा, मैं अपने नफ्स के साथ लड़ूंगा खर्च करने के लिए कि ये माल मेरा नहीं है, मेरे रब का आता करदा है, और ये मेरा दुश्मन बदतरीन दुश्मन उसी रब का बंदा है जिस रब का बंदा मैं हूं और जिस रब ने मुझे अता किया है।
तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं अल्लाह के दिए हुए माल को रोकूं इस दुश्मन से। और ये मेरी खानदानी शराफत और जर्फ को जाहिर कर देगा कि मैं अपने दुश्मन के खिदमत करता हुआ आजी के इंतहाई मकाम पर रहूं और मेरी निगाहें उठने न पाए उसके साथ सामने मैं अपने दुश्मन पर खर्च कर रहा हूं। मैं ये समझता हूं जाती तौर पर, मुझे कोई इस पर इसरार नहीं कि ये दुरुस्त हो बात, कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका यही होगा कि अगर अल्लाह ताला मुझे कभी ये तौफीक बख्श दे कि मैं अपनी जेब से कुछ पैसा निकाल सकूं और अपने दुश्मन पर खुले हाथ से नहायत आजिज़ी के साथ तक खर्च कर सकूं। तो माल दुनिया कमाना यूं मुबाह हो जाएगा कि इस जज्बे के साथ उस माल दुनिया को कमाया जाए कि मेरी जायज जरूरतें पूरी होने के बाद जो माल बच जाए वो मैं अल्लाह के बंदों पर खुले हाथ खुले दिल से खर्च कर दूं बगैर ये देखे कि ये दोस्त है या दुश्मन। वो मुबाह हो जाएगा, उसका अजर बहुत हो जाएगा, रब नेमतों को बढ़ा देगा हमारी। वो भी कल्ब को परवरिश करने का एक जरिया बनेगा कि हम अल्लाह का शुक्र यूं अदा करने लगे। इंसान का पता ही उस वक्त चलता है जब वो बदतरीन गुस्से में हो कि वो फितरतन क्या है। इंसान का सही रूप आता ही सिर्फ उस वक्त है जब उसको किसी शख्स से बदतरीन नुकसान हो जाए, किसी ने उसे बदतरीन नुकसान पहुंचा दिया हो, हाँ वो किसी फॉर्म में है। और इंसान का सही उसकी फितरत उसका ज़र्फ सामने उस वक्त आता है जब वो किसी के साथ नेक सलूक कर रहा होता है और नेक सलूक कर चुका होता है। उसका ज़र्फ इंसान का परखा जाएगा उस वक्त। तो आला ज़र्फ लोग हैं, खानदानी लोग हैं जिनकी रगों में अच्छा खून बह रहा है, वो जब किसी के साथ नेक सलूक कर रहे होते हैं तो आजी के इंतहाई मकाम पर खड़े होते हैं। आप जिंदगी में परखिएगा कि वो लोग जो खानदानी हैं आला ज़र्फ हैं, जब वो किसी के साथ नेक सलूक कर रहे होते हैं तो निगाहें हमेशा झुकी होती हैं और हाथ कांप रहे होते हैं उनके। और फिर ये जिक्र कभी आता नहीं कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, क्योंकि जहां ये एहसास दिल में आया कि मैंने किसी के लिए कुछ किया वो नेकी नेकी न रही, तकब्बुर हो गया। तो बजाय कुछ अल्लाह से अजर पाने के सब कुछ डुबो बैठा इंसान। किसी साहब ने एक सवाल पूछा है कि मेरे बारे में कहा है कि मैंने कहा था कि हम अपनी दुआओं में ये भी दुआ शामिल कर लें कि अल्लाह हमें तमाम मुश्किलात से अपनी पनाह में ले ले। अल्लाह किस तरह अपनी पनाह में हमें लेगा वजाहत कर दें। भाई ये सवाल आपने गलत आदमी से पूछ लिया। रब के कारखाने कुदरत का मुझे क्या मालूम के क्या है, अल्लाह के काम तो अल्लाह ही जानता है, किसी इंसान के बस का नहीं कि उसे देख ले। हाँ मैं ये जरूर जानता हूं
कि मेरा रब सबसे ज्यादा कुव्वत वाला है, सबसे ज्यादा जबरदस्त है, वो मुहीत है इस पूरी कायनात पर, वो कादिर है किसी कंगाल को शहंशाह बना देने पर और किसी शहंशाह को कंगाल कर देने पर ओवरनाइट। वो हलुल मुश्किलात है, हाजत रवा है, और जब कोई शख्स किसी ऐसी जबरदस्त कुव्वत वाले हस्ती की पनाह में चला जाए तो फिर दुनिया की कोई मुश्किल उस तक पहुंच नहीं पाती कि उसके और मुश्किलात के दरमियान वो जबरदस्त कुव्वत वाली हस्ती मौजूद है। अगर मैं किसी पहलवान के पीछे खड़ा हो जाऊं तो किसी आम आदमी की तरफ से मारा जाने वाला मुक्का मुझ तक नहीं पहुंचेगा। तो रब तो सबसे बड़ा पहलवान है, सबसे ज्यादा कवि है, सबसे ज्यादा जबरदस्त है। तो अगर मैं उसकी पनाह में चला गया तो मुझ तक क्या चीज पहुंच पाएगी? मैं अपने कम इल्म के साथ तो यूं ही ये बात वाजे कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं इस बात को समझ ही नहीं पाता कि रब कैसे बचाएगा मुझे मुश्किलात से, मेरी मुश्किलात को किस तरह हल कर लेगा। सिर्फ यही एक गुमान है मेरा कि मेरा रब सबसे ज्यादा जबरदस्त, सबसे ज्यादा कवि है और वो मुहीत है तमाम कायनात पर। तो ऐसी हस्ती से अगर मैं पनाह मांग लूं तो ये तो सुन्नत है उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह मांग ली उसको अमान है हर तरह से, फिर कोई दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की सुन्नत क्या होगी, मैं तो उससे सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं। तो मुझे अफसोस है कि मैं आपको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका जिस तरह आप समझ रहे होंगे। ये एक जाहिलाना एक्सप्लेनेशन है, एक जाहिल आदमी की एक्सप्लेनेशन है, ऐसे इंसान की जो अपने रब पर अंधा एतकाद भी रखता है और एतमाद भी रखता है। तो मैं तो यूं समझता हूं भाई, अगर ये दिल को लग जाए तो आप भी समझ लीजिए इसको। इसी साहब ने एक सवाल किया है कि क्या हरूफ मक्तात अरबी की बजाय सरियानी जुबान में है? इसका मैं दो टोक जवाब तो शायद पेश न कर सकूं, लेकिन ये अर्ज करूं कि जुबानें किस तरह वजूद में आई हैं और कौन सी जुबान कितनी पुरानी है। दुनिया की सबसे पुरानी जुबान जिस पर इत्तफाक है, जैसे सबसे पुराना मजहब उस पर इत्तफाक है कि वो हिंदुइज्म है, इसी तरह सबसे पुरानी जुबान संस्कृत है। बाकी जुबानों ने संस्कृत ही से ही जन्म लिया है। तो अगर हम सरियानी जुबान की ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो बात संस्कृत पर आ जाएगी। और संस्कृत कैसे वजूद में आई, वो इंसान के एक्सप्रेशन की जरूरत ने उसको जन्म दिया। जैसे यहां मैंने एक दिन अर्ज किया था कि वो जो मुहावरा है प्रोवर्ब के, जरूरत इजाद की मां है, रूहानियत में वो दुरुस्त नहीं है,
रूहानियत में दुरुस्त यह है कि ख्वाहिश ईजाद की मां है, तो ये ख्वाहिश कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं अपने आप को, उसने जुबान को जन्म दिया है। तो ये सुरियानी जुबान संस्कृत से पुरानी नहीं, सुरियानी बाद में थी, अरबी सुरियानी के बाद में आई, तो जुबानों ने यूं ही जन्म लिया कि इलाके की जो कल्चरल जबर था, हर इलाके का एक कल्चर है, और एक अजीब बात है कि हम जज्बाती तौर पर ये चूंकि ज्यादा वाबस्ता है मजहब से, तो हम ये कहते हैं कि बॉन्डिंग फोर्स रिलीजन है, रिलीजन से ज्यादा एक स्ट्रांग चीज है वो है कल्चरल ट्रेडिशंस। इंसान मुतासिर होता है कल्चरल ट्रेडिशन से ज्यादा, कल्चर सबसे बड़ा जबर है इंसान पर, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कल्चर से जन्म लेते हैं, तो जुबानी मुतासिर हुई हैं कल्चर से, जो लोकलाइज्ड एनवायरनमेंट था उससे मुतासिर होकर जुबानों ने जन्म लिया है। यहीं पर एक जमाने में गुफ्तगू हो रही थी तो अल्लाह ताला की तखलीक कि क्या क्या कैसे है, तो मैं एक अर्ज कर रहा था कि आप अब पहले अपने ही मुल्क में घूम के देखिए और फिर बाकी दुनिया में जहां तक अल्लाह आपको तौफीक बख्श दे वहां तक जाइए। तो एक चीज हम पर वाज़े होती है कि 100 miles के रेडियस में, ऐसे माइल्स उसके रेडियस में, तो आपको कल्चर भी एक सा मिलेगा, डायलेक्ट भी एक सा मिलेगा, वेजिटेशन भी एक सी मिलेगी, लेकिन जब हम 100 miles रेडियस से आगे चाहते हैं, जैसे लाहौर से जेहलम 100 miles है, रादर एग्जैक्टली स्पीकिंग 102 miles, साहिवाल 120 miles है, तो कभी देखिए वेजिटेशन में फर्क है, वहां से कपास का इलाका आगे शुरू हो जाएगा, डायलेक्ट चेंज हो जाता है, है तो पंजाबी उनकी लोकल जुबान लेकिन डायलेक्ट चेंज हो जाता हैबिट्स चेंज होती है। तो ये डायलेक्ट जो चेंज होता है और हैबिट्स चेंज होती हैं, ये कल्चर की वजह से है, तो रफ्तार रफ्तार यूं ही जुबान जन्म ले लेती है। अगर हम जेहलम से 30-40 मील और आगे चले जाएं, तो वहां एक नई जुबान जन्म लेती पंजाबी की बजाय पोटवारी, और जेहलम से 100 miles अगर काउंट हम कर लें तो ऑलमोस्ट हसन अब्दाल आ जाएगा, तो 1-2 मील का फर्क है। वहां से आगे एक और जुबान जन्म लेती है जो पश्तो, पोटोहार, पोटोहारी और पंजाबी जुबान का एक मिक्सचर बन जाती है, उसे गालबन हजार भी कहते हैं। उससे आप 100 miles आगे चले जाइए तो पश्तो है, उससे और 100 मील आगे चले जाइए तो पर्शियन स्पीकिंग एरिया शुरू हो जाते हैं। तो ये जुबानें इसी तरह जन्म लेती हैं। अब ये कहना कि जो उर्दू के अल्फाबेट्स हैं वो कहां से आए हैं, उर्दू
ये तो हम सबको मालूम है कि बजाते खुद तो कोई जुबान नहीं है, ये तो अकबर के जमाने में फौज के लिए इस जुबान को रिवाज दिया गया था कि उसकी फौज में चूंकि पूरे इंडिया से लोग थे और इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट था, उनकी कम्युनिकेशन बड़ी मुश्किल हो रही थी कि वो अपनी अपनी जुबानों में बात करते थे, तो एक कॉमन मीडिया निकाला कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो क्या हो। तो यूं मुख्तलिफ जगहों से तुर्की के बहुत से अल्फाज, अब चाय को तुर्की में चाय कहते हैं और इसी तरह बेशुमार अल्फाज हैं तुर्की में। हम जब तुर्की जाते हैं तो वो आपस में जब दो तुर्क बात कर रहे होते हैं तो काफी समझ आ जाती है क्योंकि उनके बहुत से अल्फाज हमारी जुबान में हैं, हिंदी के अल्फाज हैं इसमें, संस्कृत के अल्फाज इसमें हैं, पर्शियन के इसमें हैं। पर्शियन ज्यादा इसलिए आ गई उर्दू में कि रूलर्स की जुबान पर्शियन थी, जो मुगल्स अफगानिस्तान से जो आए थे वो पर्शियन स्पीकिंग थे उस वक्त, तो यूं पर्शियन अल्फाज ज्यादा हैं उर्दू में, तो ये जुबान ने जन्म ले लिया। अब इसके अल्फाबेट्स कहां से आए, कहीं से डिराइव होने थे। ये हरूफ मकतात भी दरहकीकत अल्फाबेट्स हैं। यहां इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू होती रही है हमारी आपस में। उनके असरात, उनकी जो वैल्यू है हर अल्फाबेट की, जैसे रे है, इसके फिगर्स दो बनेंगे, तीन है उसके छह हैं, फे के पांच हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि वो कितने इफेक्टिव हैं, उनकी स्ट्रेंथ को वो डिटरमिन कर देते हैं। तो हरूफ मकतात अल्फाबेट्स हैं, तो अरबी के हरूफ अब्जद जो है अल्फाबेट्स, वो भी सरियानी, उसके बाद इब्रानी, इब्रानी के बाद अरबी, ये इस तरह से वो डेवलपमेंट हुई भी है। लेकिन ये मत भूलिए कि अल्लाह ताला की इससे पहली तीन इल्हामी किताबें और उससे भी पहले सहीफे, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सहीफे उतरे हुए हैं, वो किसी जुबान में थे, और ये सरियानी, इब्रानी, अरबी इस तरह जुबानों में आए, तो उनके भी अल्फाबेट्स थे। ये खेल अल्फाबेट्स का है और अभी तक जो इंसान ने तहकीक की है उसमें संस्कृत मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहलाती है। ये अरबी के अल्फाबेट्स इसी तरह डिराइव हुए हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये कहां से आए, कहां से डिराइव हुए, वो तो सब नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये मालूम है ये खेल सारा हरूफ मकतात का है। दूसरा सवाल है कि क्या हरूफ मकतात के असरार जिन पर खुलते हैं उनका वलायत में कम अज कम अतारुल अर्द होना जरूरी है। ये जनाब, ये अतारुल अर्द, ये आपने ये तरकीब
रूहानियत इस्लामिक मिस्टिसिज्म में कहां यूज कर ली। ये ओरिजिनली रूहानी तरकीब ये हिंदुइज्म की है, हिंदू मिस्टिसिज्म की। हम इस्लामिक मिस्टिसिज्म में, इस्लामिक तसव्वुफ में अवतार को नहीं इस तरह मानते जैसे ये अवतार लर्ज जिन मायने में इस्तेमाल होता है, हम उन मायनों में नहीं लेते उसको। हमारे नजदीक तमाम पैगंबर भी इंसान थे, तमाम औलिया इकराम भी इंसान हैं, पैगंबर चोजन लोग थे, उनकी रूहों की तखलीक नूरुल मोमिनीन से हुई है। औलिया इकराम की तखलीक नूरुल आलमीन से हुई है, वो रहमते खुदावंदी के नवाजे हुए लोग हैं। और मास्वाय उन औलिया इकराम के जो पदाइशी वली थे, बाकियों ने उसे कमाया है। उन्होंने अल्लाह की अहकामात पर अमल करके, अल्लाह से मोहब्बत करके वो इस मकाम को आए हैं। तो ये अवतारुल अर्द जो टर्मिनोलॉजी है, ये इस्लामिक मिस्टिसिज्म में इस्तेमाल नहीं होती। पहली तो ये मैं अर्ज बात कर दूं। दूसरी चीज ये है कि औलिया इकराम हरूफ मकतात के असरार से किस हद तक वाकिफ होते हैं वो डिपेंड करता है कि कोई वली अल्लाह किस दर्जे पर फाइज है। रूहानियत के जैसे मैंने यहां बहुत तफसील में अर्ज की थी कि 10 दर्जे हैं, उसकी ग्रेजुएशन किसी तरह कर लीजिए, 100 करके उसको 10 की ग्रेजुएशन पर ले जाए तो भी 10 ही बनेंगे वो और बात है। उसमें एक सहूलत ये हो जाएगी कि हम जब एक से दूसरे दर्जे के दरमियानी फासला करते हैं तो उसके अंदर सब ग्रेजुएशन हमें मिल जाती है। कि अगर एक वली अल्लाह सफर कर रहा है दूसरे दर्जे से तीसरे दर्जे के वली अल्लाह में, वो तीसरे दर्जे का वली अल्लाह थर्ड क्लास नहीं समझेगा, ये उल्टी है ग्रेजुएशन उसकी, 0 to 1, 1 to 2, 3, 4, 5 जो नंबर बढ़ते हैं वो दर्जात बढ़ते जाते हैं। तो ये जो सिलसिला चिश्तिया में 100 की दर्जात गिने जाते हैं, ग्रेजुएशन 10-10 की है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इनके अंदर फिर सब ग्रेजुएशन है। तो उसमें एक सहूलत ये हो जाती है कि किसी वली अल्लाह के दर्जे का को डिटरमिन बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि अगर कोई 15वें दर्जे पर है तो यूं समझ लीजिए कि वो मिडवे है बिटवीन लेवल 1 टू लेवल 2, वो मिडवे जा पहुंचा, तो यूं उसमें थोड़ी सहूलत है। इस वजह से सिलसिला चिश्तिया में 100 दर्जात गिने जाते हैं, ग्रेजुएशन बहरहाल 10 ही की है वहां की। तो जिस दर्जे वलायत के जिस दर्जे पर फाइज है उस पर उसके ही असरात खुल जाएंगे और कुरान पाक के जो मायने हैं वो उसी दर्जे के खुल जाएंगे उस पर। लेकिन इसके 100% असरार या रब जानता है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पूरी तरह कोई वली अल्लाह इससे वाकिफ नहीं होगा। ये और भी सवाल आते हैं, इंसाफ के इल्मी हैं और अच्छी बात है कि इस तरह के सवाल पूछे हैं इन्होंने। तो अगली इतवार बशर्ते जिंदगी इंशाअल्लाह ताला बात होगी। और ये बकाया इनके सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, इनकी कोशिश करेंगे कि इस पे बात कर सकें।
انشاءاللہ اگلی بار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.